वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाए। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको आज के दैनिक पंचांग के बारे में बताने जा रहा हूं। आज दिनांक 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार। गुरुवार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदा बना रहे। आज आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होगी। शाम 4:29 तक सूर्योदय, सुबह 6:15 और सूर्यास्त शाम 6:29। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 5:52 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे शाम 6:44 पे। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में। यह शरद ऋतु है यानी कि आज से शरद ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। अयन दक्षिणायन रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:49 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज गुरुवार दिन होने के कारण गुरुवार के दिन दक्षिण और पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। विशेष करके दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो घर से दही या जीरा खाकर बाहर निकले तो अच्छा होगा। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गुरु बृहस्पति का दिन माना गया है। आज के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करने से उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन भगवान बृहस्पति का व्रत और कथा किया जाएगा। आज के दिन केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाले तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और 5 परिक्रमा लगाए, 1 दीपक जलाए तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आज सर्वपितृ अमावस्या है यानी कि पितृ पक्ष जो चल रहा था आज उसका अंतिम दिन है। सर्वपितृ अमावस्या के नाम से इसे जानते हैं और इसे विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। आज के दिन भूले बिछड़े यानी कि जिनका पता ना हो कि हमारे पितृ कब गुजरे थे उनका दिन समय अगर याद ना हो तो ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध तर्पण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज ही के दिन विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया जाएगा। विश्वकर्मा भगवान ने ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना में उनका सहायता किए थे और जितने भी त्रिदेव हैं, सभी देवी देवता हैं, उनके पास जितने भी अस्त्र हैं उन अस्त्रों को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। भगवान विश्वकर्मा को सबसे पहला इंजीनियर कहा गया है। तो आज भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक का बहुत ही अच्छा मुहूर्त होगा। अब आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक और गोली कालम समय होगा सुबह 9:18 से सुबह 10:50 तक। अब आइए जानते हैं आज के अशुभ समय के बारे में यानी कि अशुभ समय राहु काल समय। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है।
तो राहु काल का समय होगा दोपहर 1:53 से दोपहर 3:26 तक। यह विक्रम संवत 2070 प्रमादी है और शक संवत 1942 सरवरी। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।